एक बार आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में बैठे हुए उनसे बातें कर रहे थे। इतने में एक देहाती आपके पास आया और पूछने लगा कि कयामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू में मसरूफ रहे। बाज़ लोग जो मजलिस में थे कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की, और बाज़ कहने लगे कि नहीं, बल्कि आपने उसकी बात सुनी ही नहीं। जब आप अपनी बातें पूरी कर चुके तो मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, वो कयामत के बारे में पूछने वाला कहाँ गया? उस देहाती ने कहा, हुजूर मैं मौजूद हूँ। आपने फरमाया कि जब अमानत ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो कयामत कायम होने का इंतज़ार कर। उसने कहा, ईमानदारी उठने का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाएं तो कयामत का इंतज़ार कर। सही बुखारी, हदीस नंबर 59।